हरे कृष्णा, जय पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ पूरे विश्व में विख्यात शिव जी का ये मंदिर पंचमुखी शिव मंदिर काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। आप दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पे पशुपतिनाथ नाम क्यों पड़ा? पशु मतलब हम सोचते हैं पशु मतलब कोई जानवर, लेकिन पशु का मतलब शास्त्र के हिसाब से होता है कोई भी बद्ध जीव। जो जीवात्मा इस संसार में है और ये नहीं समझ रहा है कि उसको वापस भगवत धाम जाना है, भक्ति करनी है, वो पशु समान है। जो अपने आप को शरीर मानता है वो पशु समान है। तो पशु मतलब सब मनुष्य भी जो अपने आप को शरीर समझते हैं वे पशु हैं, जो अपने आप को भक्ति में नहीं लगाते हैं वे पशु हैं। तो पशु पति शिव जी कौन है? पशुओं के पति हैं, यानी हम सबके स्वामी हैं, मार्गदर्शक हैं। तो पशुपति तो हो गया पशुपति नाथ, तो पशु हो गए संसार के जीव, पशुपति हो गए शिव, और पशुपति नाथ हो गए शिव जी के प्रभु, जो हैं साक्षात भगवान, सदाशिव भगवान, जो कि भगवान विष्णु हैं। ये है अर्थ पशुपति नाथ का। यहाँ पे पांच मुख हैं शिव जी के, जो यहाँ पे दर्शन मिलता है। प्रायः एक मुख का दर्शन मिलता है जो आप देख रहे हैं पश्चिमी दिशा का, इसको बोलते हैं सद्योजत। यहाँ से शिव जी क्या कर रहे हैं? इस मुख से भगवान कृष्ण के भक्ति का जो प्रोसेस है कि भक्ति कैसे करनी है वे समझाते हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, पांच मुखों से शिव जी किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो यहाँ एक मुख से उस प्रोसेस का वर्णन कर रहे हैं। जो पीछे है पूर्वी दिशा में, वो है तत्पुरुषः। वहां से तत्पुरुषः, तत् मतलब वो पुरुष मतलब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, उस पुरुष की महिमा बताते हैं भगवान शिव यहाँ पे, तो तत्पुरुषः। फिर दक्षिण का हो गया, दक्षिण में है अघोर। तो वो मुख से क्या बता रहे हैं शिव जी कि कृष्ण जो है घोर अघोर, भगवान जो अपने भक्तों के प्रति बड़ी करुणा रखते हैं, और जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, जो अभक्त हैं, उनके प्रति भगवान जो हैं बड़ा क्रोधित भाव रखते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दो दुष्कृति होते हैं, जो असुर होते हैं उनका विनाश करते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे करुणा करते हैं। तो ये हो गया अघोर। और उत्तर की तरफ जो मुख है वामदेव, वहां पे शिव जी बता रहे हैं उस मुख से कि भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये चारों मुख से भगवान कृष्ण के बारे में शिव जी बता रहे हैं, और जो पंच मुख है वो आकाश की तरफ है। तो शिव जी ये बताना चाहते हैं कि चार मुख चार वेद के समान हैं, वहां से चार वेद निकल रहे हैं, और ये वेदों का सार क्या है? भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? वेदों का सार है मुझे जानना। तो यहाँ पे शिव जी भी कह रहे हैं कि वेदों का सार है भगवत धाम की प्राप्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान नारायण भगवान विष्णु को प्राप्त करना। ये जो चारों मुख से बता रहे हैं उसका सार ये है। जो पांचवा मुख है उसको बोलते हैं ईशान। उस मुख से जो है शिव जी हमें बता रहे हैं कि हमारा जो अंतिम, जो बोलते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन, वो होना चाहिए भगवान का धाम। तो यहाँ पांच मुख से भगवान कृष्ण और उनके भक्ति के बारे में, और हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं कृष्ण, ये शिव जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे, और शिव जी हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शिव को कहा गया है श्री पशुपतिनाथ। श्री पशुपतिनाथ की जय।